नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी। मैं हूं गौतम ठाकुर। आवाम की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। जनाब, आज हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ चाहता है, वो है शांति, अपने घर के आसपास हरियाली और अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए एक खुला मैदान जहां हरी भरी घास उगी हो। जी हां, वो चाहता है कि उसकी धरती यूं ही हरी भरी रहे, खूबसूरत रहे और उसको सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती रहे। लेकिन आज जनाब, जो हमारी ज़रूरतें हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी धरती को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। आज हम मसला जो लेकर निकले हैं वो है प्लास्टिक से जुड़ा हुआ। आप भी जानते हैं कि हमारे समुद्र में लगभग हर साल 1.5 करोड़ टन प्लास्टिक बहा दिया जाता है, कचरा बहा दिया जाता है। और आप भी अपनी जिम्मेदारी समझकर डस्टबिन में जो कचरा डालते हैं वो कचरा सीधा पहुँचता है डंपिंग ग्राउंड्स में, जहाँ आपको लगता है कि वो रिसाइकल होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। नो डाउट रिसाइकल भी होता है, ट्रीटमेंट भी होता है, और उसके बावजूद भी वो कचरा पच जाता है जो इस तरीके का पहाड़ बन जाता है। ये वही पहाड़ जनाब जो आपके घर से निकला हुआ कचरा है। और अगर आप कभी आपको मौका मिले किसी डंपिंग ग्राउंड जाने का, तो आप जब इस कचरे की शक्ल देखेंगे तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक ही नज़र आएगा। ये वो दूर से देखने वाली तस्वीर है जिसमें आपको अमूमन प्लास्टिक ज़्यादातर मात्रा में नज़र आएगा। तो ज़रा सोचिए कि हर जगह ये प्लास्टिक है, और देश की सबसे बड़ी परेशानी, ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है। तो ज़रा सोचिए कि इस परेशानी से आप निजात कैसे पाएंगे। आज हर कोई इस चीज़ को लेकर अवेयर है कि प्लास्टिक उसकी ज़िंदगी, उसकी धरती के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, उसके बच्चों के लिए बहुत घातक है, लेकिन फिर भी वो मजबूर है उसका इस्तेमाल करने के लिए, या फिर कहा जाए उसने अपनी मजबूरी बना ली है। वो नहीं चाहता उससे अलग होना। उसे पता है कि ये आने वाले समय में उसके बच्चों को जो धरती आज वो इंजॉय कर रहा है वो धरती नहीं दे पाएगी, वो धरती, वो खूबसूरत हरी भरी धरती उसे नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी वो उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमारे पास वो तमाम चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की हैं वो प्लास्टिक में ही लिपटी हुई हमें मिलती हैं। तो आज जनाब इसीलिए आवाम के बीच में निकले हैं, ये जानेंगे कि आखिर लोग इसे कितनी बड़ी मुसीबत समझते हैं। क्या वो प्लास्टिक को प्लास्टिक के नज़रिए से समझ पाए हैं, या फिर सिर्फ अपनी ज़रूरत के नज़रिए से ही समझ रहे हैं। आज ये जानने निकले हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि आखिर इसका जो समाधान हमें टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है उसको वास्तविक तौर पर इस्तेमाल करना भी पॉसिबल उनके लिए हो भी पा रहा है या नहीं। क्या उन्हें लगता है कि प्लास्टिक का कोई और विकल्प उनके पास है या नहीं। आज यही जानने निकले हैं। तो चलिए जनाब अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं और आम लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। जनाब आप जानते ही हैं कि हम प्लास्टिक को लेकर बात कर रहे हैं, सज्जन हमारे साथ हैं। वैसे आप किसी भी शख्स को देखें तो उनके पास आपको प्लास्टिक मिल ही जाएगा। सर क्या नाम है आपका? अर्जुन शर्मा। अच्छा, मैंने प्लास्टिक दिख जाएगा कि बात की, आपने सीधा अपनी बॉटल की तरफ देखा। यस। ओके, ये जनाब के पास भी वाटर बॉटल है, और ये एक ज़रूरत भी बन गई है। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप काफ़ी चीज़ें खाते हैं, आप चिप्स वगैरह लेते हैं वो भी प्लास्टिक में मिलता है, आप खाना लेते हैं वो भी आपको कई बार प्लास्टिक के प्लेट्स में मिलता है, आप पानी पीना चाहते हैं वो भी प्लास्टिक की बॉटल में है। आप कहीं भी नज़र डालिए प्लास्टिक ही प्लास्टिक नज़र आता है। कितना बढ़िया है ना, चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक। सुबह उठो तो प्लास्टिक प्लास्टिक, अपना गेट खोलो पहले तो दिखाई देगा, हाँ भाई प्लास्टिक का पहाड़ खड़ा है अपने सामने, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। हरियाली की जगह, पेड़ों की जगह प्लास्टिक का पहाड़, ये टाइम आने वाला है, बहुत जल्द ये सिचुएशन बन जाएगी कि इन 21st सेंचुरी आप, हाँ एंड तक आ ही जाएगा ये, तो ये वाली सिचुएशन अगर लोग, वी पीपल नॉट अवेयर अबाउट इट। अच्छा, पढ़े लिखे हैं आप? या ग्रेजुएट, समझ ग्रेजुएट है, समझदार भी लग रहे हैं। और इतनी प्यारी प्यारी बातें की कि घर से बाहर निकलेंगे तो प्लास्टिक का पहाड़ दिखेगा, लेकिन बॉटल तो आप भी लेके घूम रहे हैं। हाँ मैं बॉटल लेके घूम रहा हूँ, लेकिन मैंने एक अपने बैग में रखी हुई है, मतलब अगर मैं ये खाली होगी मैं इसको डायरेक्ट डस्टबिन में डालूंगा, तो उधर मतलब एनवायरनमेंट में ऐसे नहीं फेंकूंगा मैं। अच्छा, इसको कब खरीदी, आज ही खरीदी या बहुत टाइम से खरीदी? ये मैंने आज ही खरीदी एक्चुअली, आज ही खरीदी है। तो इसको रिसाइकिल करने का सोच रहे हैं कुछ? हाँ रिसाइकिल मैंने तो सोचा नहीं है एक्चुअली, लेकिन हाँ रिसाइकिल प्लांट है, मैं यहाँ पे डस्टबिन में डालूंगा, यहाँ से रिसाइकिल ही होनी है यहाँ पे। ये तो है नहीं कि अपना एनवायरनमेंट में जाएगी ये, फिर या फिर कैसे पोल्यूटेड करेगी अपने एनवायरनमेंट को, जितने भी अपने डस्टबिन में जाती है सब रिसाइकिल ही होके जाती है जितनी तो भी हम। बहस होती है आपके आपके दोस्तों के बीच में प्लास्टिक को लेकर? नहीं एक्चुअली अभी तक तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, ज़रूरत नहीं पड़ी ना। हाँ मेनली एक्चुअली हम, हाँ मेनली ये भी कह सकते हो जरूरत नहीं पड़ी, ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिबेट का टॉपिक कब बन पाएगा, मतलब जब सच में घर के बाहर प्लास्टिक के पहाड़ बन जाएंगे तब डिबेट हुआ करेगा? अगर हम अभी अवेयर नहीं हुए इसके अगेंस्ट तो फिर कभी नहीं हो सकते। फिर ये समझो चारों तरफ, मतलब इंसानों से ज़्यादा प्लास्टिक होगी चारों तरफ। अभी आपको लगता है क्रिटिकल सिचुएशन है, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है नहीं, क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है,
और मैं भी कहाँ देखते हैं, मतलब क्या देखते हैं कि किस तरीके से? चलो ये तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, यहाँ साफ सफाई है। और किसी रेलवे स्टेशन पे जाके देखो आप, रेलवे स्टेशन पे आप अपने घर पे ही देखो, सड़क पे देखो, चारों तरफ देखो, अपने आसपास एनवायरनमेंट पे, आपको चारों तरफ प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, चारों तरफ चिप्स की पैकेट वगैरह चारों तरफ दिखाई देंगे। मतलब लोग वहाँ खाएंगे, यूज़ करेंगे, और उनको ऐसे नहीं कि डस्टबिन में डाले, ऐसे ही डाल के चले जाएंगे उनको, ऐसे ही कहीं पे भी, एनी वेयर इन द एनवायरनमेंट, कहीं पे भी डालेंगे फेंकेंगे और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे कि हम इसको कलेक्ट करें अपने। अगर बैग ले रहे हैं तो बैग में डाले, फिर जाके कहीं पे डस्टबिन दिखाई दे वहाँ पे डाले, या फिर अगर नहीं मिले तो घर जाके अपने डस्टबिन में डाल दो इसको। लेकिन जिम्मेदारी कौन समझे? मैं करता हूँ अपना, जो भी मेरे पास प्लास्टिक की चीज़ होगी, जैसे मैंने चिप्स खाया, आफ्टर दैट अगर खाने के बाद मैं उसको बैग में डालता हूँ, या तो कहीं डस्टबिन दिखाई दिया मेरे को वहाँ पे डाला, नहीं तो फिर मैं अपने घर पे जाके डस्टबिन में डालता हूँ उसको। क्या बात है, ये एक आदत भी बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम कचरा क्रिएट कर रहे हैं, और वो कचरा ये सोचकर कि वो रिसाइकल होगा, वो कूड़ेदान में ही जाएगा, सही जगह जाएगा, लेकिन क्या सच में वो रिसाइकल हो पाता है? जितने अमाउंट में हम कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या उतने का निवारण हो पाता है उससे हमारा जो? हाँ, निवारण होएगा, क्योंकि रिसाइकिल प्लांट है इंडिया में जगह जगह, और जो अगर हम ऐसे डाल दें अपने प्लास्टिक को, ये अपना एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है। CFC क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में इस रिसाइकिल की वजह से मतलब एक तो डिग्रेड होने में काफ़ी टाइम लेती है, अबाउट 20 to 30 years टू डिग्रेड, ठीक है। और CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स रिलीज करती है, और जो हमारे जो ओजोन लेयर है उसको डिफेक्ट करती है, और जो मेन कारण है ओजोन का, अगर वो डिफेक्ट होगी तो फिर नोबडी कैन लाइव ऑन अर्थ। अरे बाप रे, ये तो बहुत उम्दा जानकारी रखते हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। केमिकल इंजीनियर जनाब है, अरे वाह, फिर तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरीके से इस्तेमाल करें कि प्लास्टिक रुक जाए। तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए यार इस पर। हाँ बिल्कुल, इन फ्यूचर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। कुछ और लोग हैं जनाब जो जानते हुए भी गलतियां करते हैं, जानते हुए कि प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी का हिस्सा जो बन गई है, अब इस ज़िंदगी के हिस्से को थोड़ा अपनी ज़िंदगी से अलग करना मुश्किल सा होता जा रहा है, और इस मुश्किल हालात से निपटना भी अपने को ही है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। जनाब बच्चों की ज़िद के आगे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उन्हें वो दिलाना ही पड़ेगा जो वो मांगते हैं, नहीं तो रोना धोना और बहुत सारा इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे कि आज हम प्लास्टिक को लेकर बात करने निकले हैं, लेकिन क्या अपने बच्चों को इन चीज़ों की आदत डालना सही है, प्लास्टिक का? जी हाँ, चलिए पहले ऐसा करते हैं कि माँ बाप से जान लेते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। सर क्या हाल है, क्या हाल है आपके? ठीक है जी सर। ठीक है, कहाँ से हैं आप? रुड़की से। रुड़की से हैं, अच्छा। बच्चे को प्लास्टिक वाला खाना खिला रहे हैं जी? कैसा लग रहा है? अच्छा, प्लास्टिक क्या होता है? समझ नहीं आ रहा सर। समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, वो जो बच्ची जिस पैकेट में खा रही है उसको प्लास्टिक बोलते हैं, आपको पता है कितना मुसीबत वाली चीज़ है? हाँ ये तो पता है, बस कितनी बड़ी मुसीबत है, बस नुकसान देती है। नुकसान देती है, पर बच्चे ने जिद किया तो दिलवाना पड़ा। जिद किया जी, क्यों मुसीबत क्यों है प्लास्टिक? पर नुकसान देती है सर, नुकसान देती है बच्चे को। नुकसान देती है, बड़ी मुसीबत क्यों है नहीं पता, लेकिन नुकसान देती है इतना ज़रूर पता है। तो कुछ यंगस्टर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो इस मुसीबत के बारे में क्या सोचती हैं। जनाब क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी मैं बैठ सकता हूँ? ओके थैंक यू। ओके शिवानी कहाँ से हैं आप? नो वरी छोड़ दीजिए, कहाँ से? मैं यमुनानगर से, बट यहाँ मैं इन्फोसिस में जॉब करती हूँ। इन्फोसिस में जॉब करती हैं, तो क्या लगता है कि प्लास्टिक आज ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है? ऑब्वियसली, मतलब एक बेसिक नीड है कि अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हम लोग एक कैरी बैग के लिए, आलस हम लोगों का है कि हम लोग सोचते हैं कि यार घर से खाली आ जाएंगे, कुछ मिला तो हम लोग परचेज करेंगे, और ऑब्वियसली अगर बहुत सारे तो हम लोग मांगेंगे कि, तो वो बोलते हैं कि आप अपना खुद का बैग लाइए, लेकिन वो हम लोग का होता है चलते चलते नहीं भी दिल किया तो हम लोगों ने नहीं खरीदा, बट स्टिल बेसिक नीड है। क्या वो बैग सिर्फ वो प्लास्टिक वाला बैग ही प्लास्टिक कहलाता है? नहीं, बहुत तरीके से होता है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं एज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग टिफिन बॉक्स लेकर जाते हैं वगैरह वगैरह। इसमें गलती किसकी है, वो कंपनियों की जो प्लास्टिक में डाल डाल के अपने को देती हैं, या फिर हम लोगों की गलती है जो इसको इस्तेमाल करते हैं? अगर हम लोग उनकी भी है हमारी भी है, मैं ये नहीं अच्छा। बोलूँगी कि पूरी उनकी है, वो लोग क्योंकि वो लोग बनाते हैं क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि अब हमें आदत हो चुकी है। लाइक सी, अभी भी मेरे हाथ में एक बॉटल का ढक्कन, प्लास्टिक का बॉटल का ढक्कन, अभी भी समझा का ढक्कन है, नहीं एक्चुअली संभाल के ना, कि मैं और मेरी फ्रेंड अभी हम लोग ट्रेवल कर कर आए हैं, तो वी आर जस्ट हैप्पी, हम लोग स्नैक्स लेते हैं, बट स्टिल वो बॉटल और डस्टबिन फेंक दी, लेकिन ये मेरे हाथ में ही था ना, वॉज थिंकिंग कि स्टिल इसका क्या करूँ, प्लास्टिक, और मेरी आदत है मैं चबाती हूँ चीज़ें, मतलब मुझे होता है कि अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो आदत होती है ना कि टेंशन है कुछ भी तो चबाना शुरू करो, तो
यूजुअली ये मैं बट सोच रही थी कि अच्छा नहीं लगता है प्लास्टिक हार्मफुल है आपके लिए भी और अर्थ के लिए भी और अर्थ के लिए भी लाइक काइंड ऑफ कैसे अ काइंड ऑफ लाइक अगर मैं पूरा ही बोल दूंगी कि नुकसान है तो वो नहीं है क्योंकि हम लोग मांगते हैं तो हमें स्टोर करते हैं जैसे कि मैंने यूज़ किया अगर मैंने डस्टबिन में डाला ठीक है एक इंसिडेंट बताती हूँ अभी आई वॉज इन अमृतसर आई गेस तो मैं अपने ब्रदर को मिलने गई थी तो वहाँ क्या हुआ कि एक गाय मरी थी सड़क पर और जब इलाज किया गया तो उसने वॉमिट किया और उसके पूरे पेट में प्लास्टिक मतलब पॉली बैग्स एंड ऑल तो है नुकसान अगर हम लोग ढंग से यूज़ करेंगे तो मे भी वो बेनिफिट अगर नहीं तो फिर तो वो नुकसान है ये फिर तो वो नुकसान ही है अगर आपको मैं बताऊं कि हमारे समुद्रों में हर साल डेढ़ टन लगभग डेढ़ टन करोड़ कचरा जो है वो वहाँ पहुँचा दिया जाता है ये सबसे बड़ी मुसीबत है और इस मुसीबत का निजात कैसे मिले ये सबसे बड़ी समस्या है चचा के पास चलते हैं अरे चचा कहाँ जा रहे हैं क्या नाम है सर टेकचंद निकचंद टेकचंद टेकचंद जी कहाँ से हैं सर हमें जीन से जीन से हैं अच्छा सर मुझे बताइए कि अभी ये जो प्लास्टिक होता है प्लास्टिक बैग हो गया हर एक चीज़ प्लास्टिक में मिल रही है तो ये उस टाइम भी थी जब आप छोटे थे नहीं थी तब क्या होता था सर थैले लेके जाते थे कागज के लिए भावे होते थे अच्छा था वो अच्छा था हाँ अब गंदगी ज़्यादा होती है इससे प्रदूषण फैलता है समुद्र के अंदर कचरा हो जाता है गाय यूज कर लेती है तो नुकसान देता है हर एक के लिए हानिकारक है ये बंद होना चाहिए कैसे सर बंद होगा ये तो खुद अपने पूरा करना पड़ेगा प्रयास करना पड़ेगा खुद हर एक बंदे को अगर आप अमीर एक बंदा कैसे करेगा वो तो उसको पहले क्या डिप्लोमेंट किया जाएगा ना उसको बताया जाएगा गवर्नमेंट तो प्रयास बहुत कर रही है अभी बंद होना चाहिए नहीं लोग नहीं मान रहे घर से थैला लेके जाओ तो सारे काम हो जाएंगे बंद आ जाता मार्केट करने ये सब तभी मैं खाली आ जाऊँ मैं कुछ नहीं जाना पड़े ये तो है खाली आ जाऊँ कुछ करना ना पड़े यही वो चीज़ है जनाब लेकिन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए प्लास्टिक हर जगह दिखता है जनाब हम चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन में हैं और ये सज्जन मुझे मिल गए हैं सर क्या नाम है आपका शुभम कुमार भूख बड़ी लगी थी है? जी सर क्या बात है प्यास भी बड़ी लगी है जी सर क्या बात है प्लास्टिक का बॉटल प्लास्टिक का पेपर और बिस्किट जी सर अच्छा क्या लगता है कि ये जो प्लास्टिक है कितनी बड़ी ज़रूरत बन गया यार अपने लिए सर जरूरत तो है पर ये नुकसानदायक भी ज़्यादा है हमारे भाई बड़े समझदार हो यार पता भी है नुकसानदायक जी सर कैसे नुकसानदायक सर जैसे भी इसे कहीं पे डालते हैं इसका पूरा वो नहीं हो समाप्ति नहीं हो पाती है सर इसलिए जी तो अच्छा अभी ये खाएंगे तो कहाँ जाएगा ये रैपर कहाँ जाएगा अभी तो मैं तो कूड़े में डाल लूँगा यहाँ पे जी उसके बाद ये यहीं पे नगर में ही फैलेगा इससे जहरीला होगा यहीं पे घूमेगा ये रैपर है जनाब का कहना है कचरे में तो डाल दूंगा पर घूमेगा वो यहीं पे इधर से उधर घूमता रहेगा इधर से उधर किधर मेरे घर से आपके घर आपके घर से मेरे घर यहाँ से बाहर कहीं वहाँ से कहीं ये इसका निपटारा नहीं हो पाएगा ये प्लास्टिक बैग है नॉर्मल बैग है नॉर्मल बैग है जी जी नॉर्मल बैग है आइए थोड़ा सा आगे आइए क्या नाम है जनाब आपका राजन नाम है मेरा राजन कहाँ से मैं गुड़गांव से आए हैं चंडीगढ़ घूमने आए हैं नहीं पासपोर्ट के लिए आया था पासपोर्ट के लिए आए थे अच्छा तो यही जानूंगा कि ये जो बैग लिया इसकी जगह दूसरा एंड फैंसी प्लास्टिक भी तो मिलता है नहीं एक्चुअली में क्या था कि जो घर में थोड़ा फास्टली था तो मच बेटर समझा कि इसको इजीली है तो इसमें डाल लिया बोतल है पानी की तो जनाब के पास पानी की बोतल भी है जनाब के पास खाने के लिए अलग से टिफ़िन भी है यानी घर का पूरा सौदा ये लेकर आए हैं कि रास्ते में इनको कोई चीज़ खरीद कर बाहर से ना खानी पड़े अच्छा इसकी वजह क्या है मम्मी की डांट पड़ती है कि बेटा बाहर का कुछ मत खाइयो कुछ ना पियो या फिर कोई और अपनी सोच की बाहर प्लास्टिक व्लास्टिक में सब कुछ मिलेगा बस अपनी थोड़ा सोच है कि भाई घर का खाना मस्ट बेटर है कि मतलब फूड पॉइजन ही होता और तो कुछ इशू नहीं है बस ये जी प्लास्टिक को आप मुसीबत मानते हैं कि ज़रूरत मानते हैं जी मुसीबत ही है एक तरह से एक नॉर्मल सी बात है प्लास्टिक ऐसा है कि पॉपुलेशन को ज़्यादा वो करता है और क्या है कि बहुत से इश्यूज होते हैं कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अब ज़्यादा तो हमें नॉलेज है नहीं जैसे जैसे हम सुनते हैं वैसे वैसे हम आपको बता रहे हैं जैसा जैसा सुनते हैं वैसा वैसा बता रहे हैं तो मुसीबत लगता है अच्छा कभी अपने दोस्तों के साथ बहस की है आपने क्या आप प्लास्टिक क्यों इस्तेमाल कर रहा था बहस करते हैं इस चीज़ की भाई कचरा मत ऐसे डालो इसको अगर डालना है तो किसी उसमें डाल दो ताकि वो ज़्यादा सफाई सही रहे और गंदगी ना हो बस यही है हमारा सफाई बनी रहे गंदगी ना फैले यही सबसे बड़ी चीज़ है कि सफाई जब फैलती है सफाई जब रखी जाती है तो वो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आप जब कचरा मचा रहे हैं तो ज़रा सोचिए कि आप कैसे मचा रहे हैं सर क्या नाम है आपका सर नाम अनिल कुमार है अनिल कुमार सफाई कर्मचारी यस क्या बात है यार बड़ी जिम्मेदारी वाला काम करते हैं आप कभी गुस्सा नहीं आता आपको कि हर जगह प्लास्टिक फैला हुआ आपको मिलता है कि लोग जहाँ खाया वहाँ रैपर फेंक दिया जहाँ थैला खाली किया वहाँ फेंक दिया सर कोई बात नहीं हमारा जो काम तो करेंगे क्या बात
काम तो है वो करेंगे, है ना। तो कभी किसी को फेंकते हुए देखा कि यार भाई डस्टबिन लगाए हुए हैं इतने सारे उसमें डालो? सर तुरंत बोल देते हैं मैंने नहीं किया, कोई और करके गया। अच्छा तुरंत बोल देते हैं? एक बार बहस भी करते हैं? यस करते हैं। बहस झगड़ते हैं? नहीं उसने बोलते वैसे बोलते हैं कि मैंने डाला कोई और डाल के गया। अच्छा यस उसने खुद डाला हो? यस सामने होता। आप बोलते नहीं कि यार मैंने तेरे को देखा तूने इधर डाला? सर बोलते हैं। फिर अभी ना यहाँ पे एक बंदा फौजी बैठा था वो थोक भी रहा, उसको बोलना कह रहा सोडियम नहीं करेंगे। फिर दोबारा तम्बाकू बना खा रहे कोई गिर रहा, फिर कह रहा सोडियम नहीं करेंगे। ऐसे होता है। बड़ी मुसीबत है सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो हमें काम करना है। काम करना है। काम ऐसा भी ना हो कि वो सर का बोझ बन जाए, अगर लोग सुधर सकते हैं गलत कर रहे हैं तो उन्हें रोकना ज़रूरी है। यही वो चीज़ है जनाब जो आज हम जानने निकले हैं कि लोग इन मुसीबतों से कैसे निजात पाएं। ये जो मुसीबत है आज दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। प्रदूषण की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की जिससे पॉल्यूशन फैल रहा है, लेकिन क्या वो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं मुसीबत बन रहा है? सर क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल जी क्या करते हैं? कैंटीन में। कैंटीन में? अरे वाह 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 वाह, अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ से, सब प्लास्टिक प्लास्टिक भरा हुआ है। जी सर। अच्छा कितनी, कभी गैस किया है कि कितनी चीज़ें प्लास्टिक के पैकेट में आती हैं आपकी कैंटीन में? सर हमारा तो खाना चलता है। हाँ। बाकी कैंटीन वाले भाई अलग होते हैं। अच्छा। तो वो कैंटीन प्लास्टिक वाला जो होता सामान वो लोग सेल करते हैं। अच्छा। हमारा रोटी दाल चावल सब्जी ये सब खाना वो स्टील की प्लेट में सर्व होता है, पैकिंग करके भी देते हैं? पैकिंग करके भी देते हैं सर। प्लास्टिक वाले जो प्लेट होता है जिसमें छेद होते हैं अलग अलग जी, जी उसमें पैक करके देते हैं। जी क्या बात है, बढ़िया है। तो कभी लगता नहीं कि प्लास्टिक त्याग ही दें यार? त्यागना बहुत अच्छी बात है जी। हो नहीं पाता बस? कोशिश तो बहुत करते हैं लोग पर हो नहीं पाता है सर। ज़रूरत बन गया है ना सर, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है ना, कोई और विकल्प नहीं, विकल्प नहीं निकल पा रहा है, विकल्प नहीं निकल पा रहा। अच्छा आप कैसे प्लास्टिक से छुटकारा पाते हैं, घर में ही बात कर लें चले? जी प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए बहुत कोशिश करते पर हो नहीं पा रहा है ना, बहुत मेहनत की पर हो नहीं पा रहा है, क्या मेहनत की यही जान लेते हैं सर थोड़ा सा। सर इतना तो मैं नॉलेज नहीं है बट तो भी अपने छोटे छोटे बर्तनों को यूज करते हैं कि जिसमें मतलब कि कागज का लिफाफा हो वो यूज किया जाए तो अच्छी बात है, प्लास्टिक को दूर किया जाए। तो आप करते हैं जी? बहुत कम, बहुत कम कर पाते हैं। कम कर पाते हैं लेकिन करने की कोशिश करते हैं, क्या बात है चचा। आपको तो समझाना चाहिए लोगों को कि भाई सुधर सुधर जाओ, अभी नहीं सुधरे तो। अच्छा नहीं सुधरे तो क्या होगा सर? तब तो फिर सर प्लास्टिक से बीमारियां बनती हैं दुनिया भर की, खत्म हो जाएंगे है ना जी सर। प्लास्टिक नहीं खत्म होगा, प्लास्टिक नहीं खत्म होगा, बाकी सबका जो है जी वही होगा। यही वो सवाल है जनाब कि जैसे कि चचा की आपने बात सुनी, अवेयर हैं, जानते हैं कि प्लास्टिक से बीमारी होगी और हर कोई जानता है कि आखिर प्लास्टिक क्या है और कितनी बड़ी मुसीबत है। अगर हम उसकी बात करें कि ज़िंदगी जनाब हमेशा सबको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है, हम बात तो करते हैं स्वच्छता की लेकिन क्या स्वच्छता के मायने हम समझ पाते हैं? क्या हमें ये पता है कि स्वच्छता असल में क्या है? क्या फ़र्श को चमका के रखना ही स्वच्छता है? क्या तमाम ऐश आराम की चीज़ें दिखाई देना ही लग्जीरियस लाइफ है? क्योंकि अगर आप चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, अगर आप मुसीबतें बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ें बन रही हैं। तो ज़रा सोचिए जनाब, कहीं ना कहीं आप भी सोचिए कि प्लास्टिक जो है वो आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कितना गहरा जहर बन जाएगा प्लास्टिक। जी हाँ, आज इसी को लेकर आवाम के बीच में निकले थे जनाब, कई लोगों से मुलाकात की, अच्छे अच्छे तजुर्बे जाने और ये भी जाना कि आखिर वो इसे कितनी बड़ी मुसीबत मानते हैं। और कहीं ना कहीं छोटे छोटे कदमों से ही सही लेकिन शुरुआत ज़रूर करते हैं। आप भी शुरुआत कीजिए, हम भी शुरुआत करेंगे और ये जो धरती आपकी प्यारी सी है जनाब ये बच जाएगी जो आज मरने की कगार पर पहुँचती जा रही है। तो जनाब फिलहाल आज के लिए इतना ही, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी तरह कुछ और मसलों को लेकर आवाम के बीच निकलेंगे, उनकी राय जानेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।